दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन शिक्षक के बारे में बताएंगे जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए आईएएस जैसे बड़े पद का त्याग कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की, जो कि अपने शांत स्वभाव की वजह से शिक्षक क्षेत्र में काफी फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की कम्प्लीट बायोग्राफी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, साथ ही हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टार को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप भी डॉक्टर विकास सर के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से लाइक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का जन्म साल 1976 में हरियाणा में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके माता पिता हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। विकास दिव्य कीर्ति शुरुआत से ही एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हासिल की है। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। साहित्य का विशेष ज्ञान पाकर दिव्य कीर्ति सर का हिंदी साहित्य के लिए रुझान और ज्ञान दोनों बढ़ता गया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में बीए की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने इतिहास विषय को छोड़कर हिंदी साहित्य में अपनी रुचि दिखाते हुए एमए, एमफिल और पीएचडी पूरी की। उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की जिसमें उन्होंने एलएलबी किया है। आपको बता दें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में बतौर शिक्षक कई डिग्रियां हासिल की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से एज ए टीचर के रूप में की और करीब एक साल तक इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया। विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय उनकी मुलाकात बचपन के दोस्तों से होती है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दोस्तों के कहने पर उन्होंने टीचिंग लाइन छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। साल 1996 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और अपने पहले ही प्रयास में मात्र 21 वर्ष की एज में यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्वालिफाई कर सब कुछ चुका दिया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विकास सर के इस असाधारण कामयाबी से परिवार वाले काफी खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर विकास सर को आईएएस की प्रॉपर रैंक न मिलने के कारण काफी निराशा भी थी। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग गृह मंत्रालय में की गई, लेकिन डॉक्टर विकास सर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वे इस नौकरी को ज्वाइन करें और यह बात उन्होंने अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों की समझाइश पर उन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन डॉक्टर विकास ने परिवार वालों से शर्त रखी कि वे जल्दी इस नौकरी को छोड़ देंगे। उन्होंने करीब 8 महीने तक गृह मंत्रालय में एज ए ऑफिसर के रूप में काम कर रिजाइन दे दिया। अगले ही दिन वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जा पहुंचे, लेकिन वहां उनसे रिलाइविंग लेटर मांगा गया जिसके बारे में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को जानकारी ही नहीं थी। अब उन्होंने गृह मंत्रालय में रिलाइविंग लेटर के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके करीब 20 महीने लगा दिए। इन 20 महीनों की बेरोजगारी का परिणाम भविष्य के लिए काफी सुखद रहा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति बेरोजगारी के दौरान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने लगे। साल 1999 में उन्होंने दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जो कि आज टॉप 5 इंस्टीट्यूट श्रेणी में गिना जाता है। कुछ सालों बाद एक बार फिर से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने यूपीएससी का एग्जाम देने का मन बनाया और साल 2003 में उन्होंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया। एक बार फिर से उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिखाया पर उन्हें आईएएस की पोस्ट ना मिल सकी। अब उन्होंने अपना पूरा फोकस दृष्टि संस्थान पर लगाया। धीरे धीरे दृष्टि संस्थान ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। साल 2008 में यह संस्थान जब सुर्खियों में आया जब इसी इंस्टीट्यूट की हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कैरन कौशल ने पूरे भारत में यूपीएससी एग्जाम में थर्ड रैंक हासिल की। ना सिर्फ उस समय बल्कि आज भी यह किसी हिंदी माध्यम की छात्रा का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा है। दोस्तों अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनके पिता और माता दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रह चुके हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर को अपने कॉलेज के दौरान तरुणा वर्मा से प्यार हुआ था जिनसे उन्होंने सन 1998 में शादी कर ली। तरुणा वर्मा वर्तमान में दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर है। उनका एक बेटा भी है जिनका नाम सात्विक दिव्य कीर्ति है। जी हाँ दोस्तों, आज डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक झलक लाखों सुर्खियां बटोर लेती है। उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 80 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।